हे गाइस, मैं सुमित का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे आप सभी के, जिसमें बताया जा रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना होगा, कौन से हॉस्पिटल में जाना होगा और क्या क्या टेस्ट करवाना है। तो इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका मेरे पास मैसेज आता है, कमेंट आता है मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उन सभी का रिप्लाई नहीं जा पाता है। मैं ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक मैसेज का, एक एक मैसेज का रिप्लाई जा सके, क्योंकि आप नॉर्मल सा चीज़ है, आप अगर खुद भी व्हाट्सअप या फेसबुक चलाते होगे तो ग्रुप में आए हुए मैसेजेस का, या अगर आपके पास भी बहुत सारे अगर मैसेज आते हैं तो आप सभी का रिप्लाई नहीं दे पाते हो। अभी यहाँ पर हमारे पास एक दिन में कम से कम 3 से 4 हज़ार मैसेजेस आते हैं, 500 से भी ऊपर कॉल्स आते हैं। कॉल्स जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी के पास हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे टीम मेंबर, यहां पे सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम मेंबर, हम सभी मिल करके सभी के प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सभी का नहीं हो पाता है। जब तक एक स्टूडेंट का रिप्लाई देते हैं उस टाइम में उतनी देर में 100 और मैसेज आ जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि सभी एक मैसेज का रिप्लाई देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है कि आप सभी के जितने भी मैसेज हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेकर के, जो भी मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी छोटे से छोटे टॉपिक पे, यहाँ पे जो काउंसलिंग से रिलेटेड है, उन सभी के ऊपर में यहाँ पे वीडियोस आने वाली है। जो भी आपके मैसेज है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे करके आप सभी का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर किया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी आपका एक भी स्टेप नहीं छूटेगा काउंसलिंग का, हर एक स्टेप पे पूरी डिटेल से वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को, होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए NCHM काउंसलिंग रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पे, हर एक छोटे से छोटे अपडेट पे वीडियोस आने वाले हैं। बहुत हो गई बातें, अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NCHM काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप NCHM काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ ऊपर में आपको यहाँ तक आपके सामने में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे क्लिक करते हो, आपके सामने में एक PDF आ जाता है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ इस फॉर्मेट में आपको क्लियर तरीके से बताया गया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप सभी के आसपास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, सबसे सटीक ट्रिक है, ईजी है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के, वहाँ के जो MBBS डॉक्टर हैं, आप वहाँ पे किसी भी काउंटर पे जा कर के पूछ लोगे कि आपको एडमिशन के लिए, आपको किसी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो खुद ही आपका सारा काम कर देंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, आप अगर प्राइवेट जगह से करवाना चाहते हो, तो जो भी MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, गैजेटेड ऑफिसर जिनको बोलते हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर हैं उनके पास जा करके आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये फॉर्मेट आप वहाँ पे उनको दिखा दोगे और उनको आप एक बार बता दोगे कि मुझे होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो खुद समझ जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट बना के वो रेडी कर देते हैं। फ्रेंड्स, बस यही प्रोसेस होता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से हमको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।